यानी विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी की सब्जी आप घर में कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है भिंडी की सब्जी बनाने का। आपने सबसे पहले भिंडी ले लेनी है, 1 किलो भिंडी ले लीजिए और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची, प्याज, धनिया और मसाला, नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार ले लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि भिंडी को पहले अच्छी तरह आपने पानी में धो लेना है। अच्छी तरह पानी में धोने के बाद आपने इस भिंडी को धूप में सुखा देना है। जब इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए तो इसको बाद में उठाना है और इसको अच्छी तरह काट देना है। इसके छोटे छोटे से पीस काट देने हैं और इसकी ऊपर से जो डंठल होती है उसको काट देना है। वो जल्दी से पकने में नहीं आती, इसीलिए आपका भिंडी का स्वाद खराब हो सकता है। उस डंठल को ऊपर के चोटी को काट देना है और जो छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया सी भिंडी होती है उसको आपने एक कढ़ाई में ले लेना है और वेजिटेबल ऑयल, देसी घी भी ले सकते हैं, उसमें आपने डाल के अच्छी तरह उसको तलना है। तलते रहना है और तलते रहना है। जब देख रहे हैं कि वो गल गई है और रेड ब्राउन हो गई है तो उसमें आपने बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पाउडर ये डाल करके और हरी मिर्च डाल के बारीक काट के डाल के और नमक मिर्च स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है और कम से कम आधा पौना घंटा इसको हिलाते रहते रहना है और आपकी बढ़िया अच्छी घर की साफ भिंडी तैयार है। आप इसको खा सकते हैं। धन्यवाद।